दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आजकल जो परिंदों के अंदर डिजीज पैदा हुई है, आंखों में जो प्रॉब्लम आ जाता है, गिद्ध आ जाती है, वो उसका इलाज क्या है और उसको कैसे निकालना है, गिद्ध को कैसे बाहर निकालना है। तो आइए इसको देखते हैं कि इसकी आज हम गिद्ध कैसे साफ करते हैं। ये इसकी आंख में गिद्ध आई हुई है, इसको हल्का सा पानी लगाएं, आप पानी लगा के वॉश कर लें। जब ये हल्का सा पानी लगाएंगे आप इसको, तो ये नरम हो जाएगी। नरम होने के बाद किसी भी चीज के साथ हल्का सा इसको अगर आप मूव करवाएंगे तो ये पूरे का पूरा जो है ना, ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, इसी तरह इसको थोड़ा सा दबाएं, हल्का सा नीचे से साइड से जहां पे गिद्ध नजर आ रही है आपको इसकी, क्योंकि ये इनकी आंखों के लिए इतनी बुरी चीज है कि इससे परिंदे देख नहीं पाते, और जब देख नहीं पाते तो वो कुछ खा नहीं पाते। ये देखें, ये इसकी दूसरी आंख, ये इसकी दूसरी आंख में भी इसी तरह से गिद्ध आई हुई है। इसको भी हल्का सा जो है आप यहां से दबाएं, साइड से दबा के तो इसको बाहर निकाल दें। ये देखिए, अब इसको इसकी दूसरी आंख में भी उतनी देर में वो वापस आ गई है, क्योंकि इनका ज्वाइंट सिस्टम होता है अंदर से आंखों का, इंसान की तरह नहीं होती है, इनका ज्वाइंट सिस्टम होता है अंदर से। ये देखिए किस तरह से, ये एक टेबलेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये टेबलेट इसको आधी जो है वो आपने दे देनी है, एक परिंदे को सफाई के बाद, वॉश करने के बाद इसको आधी टेबलेट आपने दे देनी है। दोस्तों कुछ थोड़ी सी तब्दीली की है, ये जो मेडिसिन मैंने आपको दिखाई थी इसमें, ये जो मेडिसिन मैंने आपको दिखाई थी वीडियो में, ये रिकोमाइसिन है। ये अब मार्केट में अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये आना बंद हो गई है। मेरे पास ये लास्ट कुछ गोलियां पड़ी हुई थी जो मैंने दे दी थी, तो उसकी जगह पे अब जो नई मेडिसिन आ गई है मार्केट में, जो उसके मुतबादल है, ये हाइजिथ, इसकी भी मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं साथ ही, तो ये आप इस्तेमाल करवाएं उसको। इसके गले को, नाक को हर जगह से वॉश कर लें ताकि किसी भी किस्म का ना इसके अंदर वो रह ना जाए। थोड़ी देर में देखना शुरू कर देगा, ये देखें इसकी आंख खुलना शुरू हो गई है। इसी तरह थोड़ी सी इसकी सफाई कर लें और इसको जो टेबलेट है वो साफ, हाफ टेबलेट एक बर्ड को दिए जाए। ये देखें, इसको टेबलेट दे रही है, अब ये इससे ठीक हो जाए।